ये उत्तर प्रदेश थोड़े ही ना है। एक महिला पुलिस कर्मी को ट्रेन में उसके साथ क्या किया गया और उसके बाद सरकार को दो दिन तक पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, बिहार में लगातार जो है अपराधियों का जो मनोबल है लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू प्रवक्ता राहुल शर्मा। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप देखते दिन दहाड़े जो है गोलियाँ चल जाती है बिहार में। नहीं, देखिए, कोई भी घटना होती है बिहार में तो लोगों को चिन्हित करके सरकार कार्रवाई करती है, कहीं किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता है। सरकार ये देखती है, सुनिश्चित करती है कि 24 घंटे के अंदर में अपराधी पकड़े जाएं। ये उत्तर प्रदेश थोड़े ही ना है। एक महिला कर्मी को, पुलिस कर्मी को ट्रेन में उसके साथ क्या किया गया और उसके बाद सरकार को दो दिन तक पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। ये बिहार है, यहाँ 24 घंटे के अंदर कोई भी घटना हुआ रहेगा 24 घंटे के अंदर तफ्तीश करके दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाती है। अच्छा, और ये जो इंडिया अलायंस है इसकी सीटों को लेकर अभी बहस चल रहा है, तो आगे क्या है? तीसरी मीटिंग हो गई है, अब आगे क्या प्लान है? नहीं तो ये तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती रहेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीटों का बंटवारा होगा, चुनाव अनाउंस होने, ये सब सामने हो जाएगा, इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार पहले कन्वेनर की होड़ में थे लेकिन जो कमेटी गठित की गई उसमें भी नीतीश कुमार का नाम नहीं आया, तो क्या लालू यादव जो है अपने बेटे को जो है कहीं ना कहीं आगे कर रहे हैं? मैंने आपको किसने बोला कि कन्वेनर का पद था, पद सृजन किसने किया था, ये जरा बता दीजिए पहले हमको कि आपको किसने बोला था कि कन्वेनर का पद था। ऐसे सब कह रहे थे कि जो मीटिंग कह रहे थे, कौन कह रहे थे? आप मीडिया के हैं, जिम्मेवारी विपक्ष कह रही है, विपक्ष का बैठक था क्या? विपक्ष का बैठक नहीं था, पद सृजन वो नहीं करते हैं ना। यहाँ इंक्लूसिव लीडरशिप की बात है, हम लोग एक साथ मिलकर और देश के जो मौलिक मुद्दे हैं उन पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंक्लूसिव लीडरशिप की बात हो रही है, इंक्लूसिव लीडरशिप में हर दल के लोग, हर व्यक्ति इसमें समान रूप से इसमें लीडरशिप देगा और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंक्लूसिव लीडरशिप की बात में कमिटी की बात होती है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होती है। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव देखने को मिलता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, सब साफ और क्लियर है। हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और इस चुनाव में हम लोग सफल होने वाले हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस जो है लगातार सनातन धर्म पर जो है बोलते नजर आई है, एमके स्टालिन के बेटे ने भी बयान दिया है और जो लालू यादव है वो कल पूजा करने के लिए गए थे, उससे पहले भी वो पूजा करने मतलब बहुत जगह गए हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग भी हिंदू धर्म से आते हैं और किसी भी धर्म के प्रति हमारी दुर्भावना नहीं होती है, सभी धर्मों का समान भाव से हम ये करते हैं। और कोई नेता इस तरह की बात करते हैं ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो हम लोग आगे बढ़े हैं तो सभी धर्मों का समान भाव से हम लोग आदर सम्मान करते हैं और हम लोग उसमें किसी के साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन इस रूप में एक है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई बात हो तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन क्या लगता है सनातन धर्म पर इस तरह का बयान देना, क्या जो बहुसंख्यक समाज है इस पर आहत करना नहीं है? मैंने आपको साफ कहा, किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी धर्म चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, हमारी पार्टी हर धर्म का समान भाव से सम्मान करती है और उसके लिए हम लोग सजग हैं। तो ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा, जिन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म हो उनके प्रति जो है जेडीयू का सम्मान बरकरार है। और आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी पटेल।